करने के लिए तुम्हें अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस झोपड़ी में नहीं रह सकती। प्लीज समझिए, कोशिश करो। मेरी माँ का कोई नहीं है मेरे सिवा, और मैं अपनी माँ कैसे छोड़ सकता? देखो, मैं छोड़ने का नहीं कह रही हूँ, छोड़ो मत, मिलते रहना, लेकिन एटलीस्ट मैं उस झोपड़ी में नहीं रह सकती, मेरे ये स्टैंडर्ड नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन तुम ये तो सोचो फलक, कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ अपनी माँ को? मेरी माँ का कोई नहीं है। मेरी सारी दुनिया रहती है। आजकल जो भी शादी करता है वो फैमिली के साथ कहाँ एडजस्ट कर पाता है, और मैं महलों में पली हुई लड़की हूँ, मैं उस झोंपड़ी में कैसे रहूँगी? प्लीज समझने की कोशिश तो करो। लेकिन मेरी माँ तुम्हारे साथ तो रह सकती है ना? लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा, बस मेरी ये शर्त है। कैसी कैसी शर्त है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो इस बारे में ठीक है, तुम सोच लो इस बारे में। सोचता हूँ। तुम इसे प्यार नहीं करते? तुमसे प्यार? तुमसे क्यों नहीं करता मैं प्यार? बहुत ज्यादा दिन हुए हैं, रात भर दिन भर तुम्हारा ही तो सोचते रहता हूँ। तो फिर इस सोच को सच कर दे, छोड़ दो ना सब कुछ मेरे लिए। वैसे मैं भी, एक बात मेरे जहन में आती है कि अक्सर लोग शादियां कर लेते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के शादी की है। घर बसाने के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन तो बस यही तो कह रही हूँ, छोड़ दो। तुम्हें सब कुछ दूंगी, प्यार दूंगी, इज्जत दूंगी, एक आलीशान घर है, मेरे पास मर्सिडीज है, हर चीज़ तो है, मैं तुम सब देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त है, माँ को छोड़ दो बस। चलो मैं इस बारे में सोच। बिल्कुल, तुम सोचो जाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। पता है, एक लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो मुझसे शादी करना चाहती है अम्मा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बेटे का घर बच जाएगा। लेकिन अम्मा एक बात मुझे कहती है कि मैं अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ दूँ और उससे शादी कर लूँ, और अम्मा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँ? मतलब मेरा कहने का कि मैं अगर उससे शादी करूँ, मैं तुमसे मिलने आया करूँ अम्मा, और तुम परेशान नहीं हो ना, तुम्हारा बेटा हूँ। अरे बेटा, तू परेशान क्यों हो रहा है? तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, तू खुश है ना बस, और हमें क्या चाहिए? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आइए। खैरियत, आप लोग यहाँ किस सिलसिले में आए? खाला ऐसे से मिलने आए थे, ऐसे की तरह। बेटा उसकी तो शादी हो गई किसी अच्छे घराने में, लड़की अमीर है, पढ़ी लिखी है, और मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली है। खाला, ये बात मेरे हजम नहीं हो रही है कि आप यहाँ इस झोपड़ी में और वो एक बड़े घर में, ये कैसा बेटा है? अजीब सी बात है खाला, ये झोपड़ी के अंदर आप मेरी, और आप तो उसकी सगी माँ है, एक लड़की के लिए उसने आपको छोड़ दिया, बहुत अजीब सी बात है खाला ये। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा बेटा जो है खुश है वहाँ पे, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ खुश रहे, इसीलिए। खाला आप यहाँ अकेली कब तक रहेंगी? आपको जाना चाहिए अपने बेटे के पास। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और खाला क्या हाल है, खैरियत है, तबीयत वबीयत ठीक है आपकी? जी बेटा, मेरी तबीयत ठीक है।
बस बेटा आप एहसन को ये ना कह दीजिएगा, कहीं वो परेशान ना हो जाए। बेटा आप लोगों के लिए चाय। अरे नहीं खाला, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे, चाय तो चलेगी ना। नहीं खाला बस हम चलते हैं, चलेंगे हम बस। हमारे लायक कोई काम कोई खिदमत हो तो जरूर याद करिएगा। जरूर। शाहरुख, बाबर यहाँ कैसे? आओ आओ अंदर आओ। अंदर वंदर नहीं आ रहे हम, जो बात करनी है ये करो। दो टके की लड़की की खातिर तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया। ऐसा जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। ऐसा जिंदगी में हजारों लड़कियां मिल जाएंगी लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी। मुझे अम्मा आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। आपने बहुत बहुत अच्छा किया ना, हैं? मेरा जितना दस्त है आप उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आप कैसी माँ हैं, कैसी माँ हैं आप। बस आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, मुझे बहुत शर्मिंदा कर दी है। जा रहा हूँ, आइंदा के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगा। और मुझे बड़ा अफसोस लगा है कि कैसी माँ हैं आप। हेलो। हाय रमिंग, हाउ आर यू? तुम तो याद ही नहीं करते, मैंने सोचा मैं ही याद कर लूं। फलक कैसे हो? अरे फलक मैं तो एकदम छकास हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? ओहो आप अभी भी हमें याद करती हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ फलक, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? शादी बस यार, शादी तो मैंने टाइम पास के लिए की है। क्या टाइम पास? मतलब तुम अभी भी टाइम पास करना नहीं छोड़ी हो, मतलब शादी के बाद भी तुम टाइम पास ही कर रही हो? वाह क्या बात है, क्या बात है। खैर सुनाओ तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड हस्बैंड नहीं है यार, वो मेरा नौकर है। नौकर वाली जिंदगी गुजार रहे हो मेरे साथ। ओहो क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब फलक। मतलब हमारे इस्लाम में हस्बैंड को मिजाज खुदा कहा गया है और तुम कहती हो कि वो मेरा हस्बैंड मेरे साथ नौकरों वाली जिंदगी गुजार रहा है। वाह वाह फलक फलक, अब तो फलक से जमीन पर आ जाओ प्लीज अल्लाह के लिए, नहीं तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तुम होते लाइफ में तो सीरियस भी होती, जब तुम ही नहीं हो मेरे पास तो मैं क्या खाक खुश होंगी। इससे क्लियर उसने अपनी माँ को छोड़ दिया,
तो ऐसे शख्स पे क्या भरोसा। खैर जाना कहाँ है उसने, मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक होती है। माँ के पास गया है, मैंने भेजा है कि जाओ अपनी माँ को बातें सुना करो। वहीं गया, आता ही हो। माँ से, माँ से लड़वाने के लिए भेजा है तुमने बेटे को? बताओ, अपने हस्बैंड को अपनी सास से लड़ाने के लिए भेजा है? अरे फलक फलक फलक, ऐसा मत करो यार, प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करो। क्योंकि दुनिया में जोड़ना बहुत अच्छी बात है, जोड़ने वाला जन्नत पे जाएगा, तोड़ने वाला जन्नत पे नहीं जाएगा। और तुम एक माँ को बेटे से लड़ा रही हो, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर फलक तुम अगर अब भी नहीं सुधरी तो यूं समझ लेना कि तूने किसी को तोड़ा है, तुझे भी कोई तोड़ेगा। ये कुदरत का कानून है, मैं नहीं कह रहा। और आज के बाद मुझे फोन मत करना, आज के बाद मुझे फोन मत करना, क्योंकि तुम जैसी थी वैसी ही हो और मुझे उम्मीद है कि वैसी रहोगी। फिर से कह रहा हूं कि जाते जाते फिर से एक बार कह रहा हूं कि तूने किसी को तोड़ा है, तुझे भी कोई तोड़ेगा। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अफसोस की बात है। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया और यहाँ पे इश्कबाजी लड़ा रही हो, फोन पे बड़ी बातें हो रही है। मैं तुम्हारा नौकर, मुझे तुमने नौकर समझ के रखा हुआ है? शादी टाइम पास के लिए की है? टाइम पास हो रहा है मेरे लिए? टाइम पास के लिए मुझसे शादी करी? मेरे दोस्तों ने बिल्कुल ठीक कहा था कि दुनिया में हजारों लड़कियां हैं और हजारों लड़कियां मिल जाती हैं, नहीं मिलती तो मां नहीं मिलती। लेकिन मैं बहुत बेवकूफ था कि मैं तुम पे बहुत भरोसा करता था। Excuse me, मेरे पैसे भी पल रहे हो, ठीक है? मेरी ही बिलियो, मुझे ही मैं, तुम समझते क्या हो अपने आप को? जाओ अपनी माँ के पास जाओ, ठीक है? मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, मेरे पैसे पे पल रहे हो तुम, ठीक है? ये घर मेरा, गाड़ी मेरी, मेरी वजह से तुम गाड़ी में घूमते हो, मर्सिडीज में घूमते हो। क्या फायदा हुआ मुझे तुमसे शादी करके? दो कोड़ी के इंसान हो तुम, तुमसे शादी करके तो मैंने तुम्हें इज्जत दी है, लेकिन तुम्हें ये इज्जत रास नहीं है। तो जाओ फिर उसी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहो। क्यों रह रहे हो मेरे साथ? नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारी। कोई मसला नहीं, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहो और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई बात समझ में? और हाँ, मेरी आखिरी बात सुन के जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक देकर जाओ मुझे, समझ में आई? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तलाक चाहिए ना? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक है, तलाक है, तलाक है, जाओ। मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए और अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। माँ,